हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बस स्ट्रक्चर। तो पहले बस मतलब आपको क्या कर क्या पता है? नॉर्मली जो बस है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है हम लोग को, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो बस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में कुछ उसी तरह है, मतलब ये भी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, तभी तो हम लोग इनपुट दे के आउटपुट प्रोसेस कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक मैंने एक कोडिंग लिखा है जिसमें 3 नंबर में से मुझे मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन परफॉर्म करना है। तो पहले मैं इनपुट दूंगी बाय इनपुट डिवाइस, उसके बाद वो मेमोरी में स्टोर होगा, फिर उसमें अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद आउटपुट फिर आएगा मेमोरी में, फिर आउटपुट मैं मेमोरी से रिट्राइव करूंगी। तो इतने सारी चीज के लिए कुछ तो कनेक्टिविटी होना चाहिए आईओ डिवाइस, मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में, जो कि डेटा इनपुट से लेके मेमोरी में जाएगा, फिर मेमोरी से एएलयू में जाएगा, फिर एएलयू से मेमोरी, फिर मेमोरी से आउटपुट में आएगा। कुछ तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, तो वो कनेक्टिविटी है बस। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग ये कि मतलब दिस यूज टू कनेक्ट different parts of the system, ठीक है। तो और ये भी बोल सकते हैं टू फॉर्म एन ऑपरेशनल सिस्टम देयर मस्ट बी सम कनेक्शन इन बिटवीन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो वही जो भी कनेक्शन है वही है हमारा बस, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये है कि ए ग्रुप ऑफ लाइन that serves as a connecting path for several devices is called bus। तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं और उनके बीच में जो भी आपको कनेक्टिंग पाथ बनाना है उसको बोला जाता है बस, ठीक है। तो इन एडिशन टू द लाइंस दैट कैरीज द डेटा, बस मस्ट हैव लाइंस फॉर एड्रेस एंड कंट्रोल पर्पस। तो मेनली ये जो लाइन है आपका, जो भी लाइन हमने बताया यहाँ पे, कनेक्टिंग पाथ फॉर सेवरल डिवाइस, ए ग्रुप ऑफ लाइन दैट सर्व्स एज कनेक्टिंग पाथ फॉर सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड एज बस। तो ये जो लाइन्स है ये क्या क्या करता है, दिस कैरी डेटा and along with that it carry address and it is also used for the control purposes, okay। तो मेनली जो लाइन बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है, तो वो किस लिए कनेक्ट कर रहा है, पहले तो डेटा कैरी कर रहा है, उसके साथ साथ एड्रेस भी कैरी कर रहा है, एंड फॉर द कंट्रोल पर्पस इन बिटवीन ऑल द डिवाइसेस उसके लिए भी बस यूज हो रहा है। तो नॉर्मली मतलब सिंपलेस्ट वे टू इंटरकनेक्ट फंक्शनल यूनिट इज अ सिंगल बस, ठीक है। सिंपलेस्ट वे टू कनेक्ट functional units is a single bus। single bus मतलब एक ही बस होता है consisting of two line जो कि connect करता है सारे system को। तो मैं यहाँ पे आपको figure में दिखाऊंगी। कैसे connect कर रहा है, तो ये जो मेरा है इनपुट डिवाइस, ये है आउटपुट डिवाइस, ये है मेमोरी एंड ये है प्रोसेसर, ठीक है। तो ये मेरा है बस। तो ये जो सिंगल बस है ये चार फंक्शनल यूनिट को कनेक्ट कर रहा है। तो मेन पर्पस क्या है, ये जो कंट्रोल लाइन है ये मतलब ये चारों यूनिट से रिक्वेस्ट लेता है
एंड फिर रिस्पॉन्ड भी करता है, ठीक है। तो कोई कोई सिस्टम में ऐसे मल्टी बस भी यूज होते हैं, लेकिन मेन चीज ये है ना कि जब आप मल्टी बस यूज करेंगे तो उसमें थोड़ा कंकरेंसी आ जाएगा आपका इन द ऑपरेशन, और ऑल्दो मतलब उसमें कम टाइम लगेगा और बेटर है बाई रैदर देन यूजिंग द सिंगल बस, बट ये है कि उसमें कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है टू यूज द मल्टीपल बस, तो सिंगल बस ही बेटर होता है। तो इसका एक आर्किटेक्चर है, मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये बस हो गया, फिर हम लोग देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ बस, ठीक है। तो बस का आर्किटेक्चर क्या है, सेम चीज है आपका, यहाँ पे सीपीयू है मतलब जो भी है प्रोसेसर, आपका मेमोरी है एंड आपका आईओ डिवाइसेस है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो लाइन और बस है वो डेटा कैरी करता है, एड्रेस और कंट्रोल पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो एक्चुअली ये जो हमारा बस है दिस इज ऑफ थ्री टाइप, ठीक है। क्या क्या टाइप है, एक है डेटा बस, एक है एड्रेस एंड एक है कंट्रोल। तो यहाँ पे देखेंगे एक है कंट्रोल बस, एक है एड्रेस बस और एक है डेटा बस। तो ये जो थ्री डिफरेंट टाइप के बस हैं, ये एक टाइम में काम नहीं करते हैं, ये जब भी जिसको जैसा जरूरत होता है उसी तरह से काम करते हैं। और ये तो है फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो कंट्रोल बस में क्या होता है, कंट्रोल बस डायरेक्टली डील्स विथ ऑल द थ्री फंक्शनल यूनिट और ऑल द फाइव फंक्शनल यूनिट एट ए टाइम। मतलब सीपीयू कैन कंट्रोल द बस और द बस कैन बी कंट्रोल्ड बाय सीपीयू, इन ईदर वे इट कैन हैपन। लेकिन एड्रेस बस में क्या होता है, एड्रेस बस में ये होता है कि दिस इज अ वन वे नॉट टू वे। आप देख सकते हैं कंट्रोल बस में टू वे है लेकिन एड्रेस बस में वन वे होता है। क्यों वन वे, क्योंकि एड्रेस सीपीयू से रिट्राइव हो सकता है, एड्रेस मेमोरी में स्टोर हो सकता है एंड एड्रेस कैन बी यूज टू गिव टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो उस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है डेटा बस। तो फिर से डेटा बस भी बोथ डायरेक्शनल है, हम लोग डेटा सीपीयू से ला सकते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी से ला सकते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं, उसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो मेन पर्पस क्या होता है कि इट यूज टू कंट्रोल द फंक्शनल यूनिट। कंट्रोल बस इज यूज टू कंट्रोल द फंक्शनल यूनिट्स, एड्रेस बस इज यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस ऑफ डेटा and data bus is used to transfer the data stored in the memory, ठीक है। तो ये तीन basic operations हैं by the help of architecture of bus जो आपको याद रखना है।